नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र के वार्ड 10 में स्थित राजा डबरी 15 वर्षों बाद एक बार फिर खुली हवा में सांस लेने को तैयार हो रहा है। वार्ड पार्षद ने अपने प्रयासों से इसका उन्नयन कार्य प्रारंभ करवाया है। इस कार्य के दौरान हुई एक गलती की वजह से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आपत्ति जताते हुए कई सवाल भी उठाए हैं। नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 10 में स्थित राजा डबरी विगत 15 वर्षों से अपनी बदहाली पर रो रहा था और इस डबरी के आसपास निवास करने वाले निवासी इस डबरी में रहने वाले जहरीले कीड़े मकोड़े और सांपों से परेशान हो चुके थे और लगातार वार्ड पार्षद से शिकायत कर रहे थे कि इसका उन्नयन कार्य कराया जाए। जामुल परिषद द्वारा इसके उन्नयन कार्य का प्रस्ताव शासन को भेजा भी था और 38 लाख स्वीकृत भी हो गए थे, परंतु किन्हीं कारणों से यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद वार्ड पार्षद के प्रयासों से CSR के जरिए कार्य प्रारंभ करवाने में सफलता प्राप्त हुई और कार्य प्रारंभ भी हो गया, परंतु इसी बीच शासन के इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई नहर जो डबरी के बगल से होकर गुजरती है उसे डबरी को साफ करने के लिए डबरी के पानी की निकासी के लिए तोड़ दिया गया और इसकी अनुमति भी इरिगेशन डिपार्टमेंट से नहीं ली गई थी, जिस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आपत्ति जताते हुए कई सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में वार्ड पार्षद और वार्ड वासियों का कहना है कि जब अच्छा कार्य हो रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर हमने इसे तोड़वाया है तो बनवा कर भी देंगे। समस्या है ओमे नहाय बराबो एला बनावा जल्दी सा कीड़ा हां और कीड़ा कहां पर गुसरा थे कहां पर भी गुसरा था भाई सबो हां बन गए हां भाई ओला कावर नहीं वो बन नहीं बन ही कावर नहीं तो हैं वोहु बन गए हां भाई, लेकिन हमला जल्द से जल्द एला तरतरिया बनाए कोशिश करे और बनावा और बन के रहना चाहिए। पार्षद ला कहा था हमन मन के पार्षद हमन के साथ हन और पार्षद हमन ओखन मन के साथ भी हां भाई। धन्यवाद करना है, लेकिन हमन ला बनाना छे ठीक और बनाबो और हम मन डटे रहबो। आप कौन का बोलिए ते खर पर हमन सबो जनता खड़े हवन ओकर संग में। इसमें बड़ा बड़ा सर्प है सर, कीड़ा मकोड़ा है पूरा, तो हम लोग मैडम को बोले पूरा मोहल्ला वासी और सबके सामने में तोड़वाई है, वो पानी मचाने की व्यवस्था नहीं था इसलिए उसको तोड़वाई है, सब बोले तो तोड़वाई है। घरों में सांप घुस जाता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा है, जहरीला जहरीला कीड़ा भी है, एक दिन का नहीं है वो, नलकूप में घुस जाता है सर। 10 साल से कुल गंदगी से वजह से हमारे घर सांप और कीड़े, हम बहुत परेशान हैं, यहाँ तक कि डेंगू होने की भी डर है, इतनी गंदगी है। इसके लिए हम लोग कई बार प्रयास किए कि तालाब राजा द्रवी साफ हो जाए, बकीर कुछ कारण की वजह से आया टेंडर आपस हो गया, बकीर अब थोड़ा से जो भी सफाईकरण हो रहा है पार्षद महोदय करा रही हैं, बस हम वही चाहते हैं कि थोड़ा सा सफाई हो जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आसपास देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती है, कोई सफाई की मतलब ये नहीं उम्मीद नहीं है, इसी को जैसे हम लोग इसके ऊपर लगे हैं कि सफाई हो जाना चाहिए। नहीं सर, वो गलती हमसे हुई है, ठीक है, मानते चीज़ को, बाकी ये चीज़ है कि आप देख लीजिए कहीं भी 3-4 मोटर अगर हम लगाते हैं, वो दलदल जो राजा डबरी का दलदल है वो साफ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, उसको हमको फिर पानी निकालना पड़ेगा ना कहीं से। अब यहाँ आसपास देख रहे हैं मोहल्ले हैं, मोहल्ले के बीच से आप पानी निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अब हम नहर उपयोग किए हैं, ठीक है। अगर वो तोड़ दिए हैं, जो ठेकेदार टेंडर लिए हैं उनको बना के देंगे, उस गलती उस जगह में हुआ सर, उसके लिए हम सॉरी भी बोल रहे हैं। बाकी ये तो नहीं है कि अब उस चीज़ के लिए हम काम अपना बंद कर दें या ना हो, आप ही सोचिए कि इस दलदल के बीच में हम लोग बसे हैं छोटे छोटे बच्चे लेके, अगर वो साफ ना होए तो कितनी दिक्कत होगी। ये विगत 12 साल पहले एक बार और सफाई हुआ था, उसके पहले और इसमें का पानी जो राजा डबरी का पानी को लोग यूज करते थे, समय पर यहाँ नहाना कपड़ा धोना और गाय वगैरह का भी यूज करते थे। अचानक 10-12 साल पहले यहाँ जलकुंभी कहीं से आया और पूरा जलकुंभी आने के बाद पूरा छा गया। अब उसके बाद में फिर यहाँ का पानी इतना स्मेल और नाली का पानी भी इसी में आना स्मेल हो गया। अब ऐसे स्थिति बन गई कि यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी किसी को ला के भी यहाँ पे करके पता नहीं चलता। मोहल्ला वासी इतना परेशान थे विगत 5 साल से, यहाँ पे आए दिन सबके यहाँ सर्फ घुसता था और सर्प के साथ साथ में वो बहुत सारी जो कीड़ा है, जहरीली कीड़ा है, ये सब आए दिन लोग यहाँ के मोहल्लावासी बहुत परेशान थे। इन लोग का ये था कि
ये तालाब एक छोटा रूप में अगर सौंदर्यीकरण हो जाता तो अभी पानी की भी बहुत समस्या रहती है गर्मी में, तो ये पानी यूज करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए यूज करने के लिए होता है। तो इस तालाब का 6-7 महीना पहले अभी टेंडर भी हुआ, इसका 37 लाख का टेंडर हुआ था, कुछ कारणवश टेंडर नहीं रास्ता हो गया। ये अब सरकार चेंज होने में तो होता ही है उथल पुथल, मतलब अपना अपना ये रहता ही है, तो चेंज ये हुआ है। यहाँ 5 तालाब का हुआ था जामुल नगर पालिका में, ये भी राजा डबरी तालाब था और एक और तालाब ठकुरतैया तालाब, वो भी मेरे वार्ड में आता है, 2 तालाब का था, वो 42 लाख का था, 37 लाख का था, अब वो टेंडर निरस्त हो गया। तो फिर अभी महिलाओं का सब मांग था कि ये तालाब में जलकुंभी भर गया है, डेली लोग साइकिल का टायर को रखते हैं, सांप आने से बहुत खतरा रहता है, बच्चे लोग बिचोले रहते हैं इसको। अब अपन निवेदन किए हैं, अभी शिव जी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा था, कलश यात्रा में गुरु जी आए थे, अपना विधायक जी है, तो उनको भी बोले गुरु जी बहुत स्थिति खराब है तालाब का, कैसे भी सफाई हो जाता, उनने सहयोग किया गुरु जी ने, विधायक महोदय ने सहयोग किया, और हम भी पालिका में लेटर में दिए कि पालिका के मार्फत हो जाता सफाई, कभी भी यहाँ के लोगों को खतरा है सर्प की वजह से ऐसे करके। तो फिर सीएस से बात किए हैं, बात करने के बाद में फिर तालाब का सफाई अब उसी से हो रहा है, वो इसी से अब ये पालिका बताएंगे किससे हो रहा है, और वहाँ से अपना काम है सफाई। अब ये क्या है, तालाब बस्ती के बीचों बीच में है, पानी जाने का कहीं साधन नहीं है, नाली का पानी भी इसी में आता है, अब देखे हैं अब क्या है, जनता की मांग सर्वोपरि है, अब लगा और सामने मानसून बिल्कुल इस पे है, और उसके पहले आचार संहिता लगा हुआ था, तो लगा होगा कि एक दिन पानी निकल जाएगा ऐसे करके, वो थोड़ा सा निकाले थे, निकालने के बाद उसको बराबर कर दिया गया है, ऐसा कहीं कोई क्षतिपूर्ति की नहीं है, बराबर कर दिए गए हैं, अब पानी नहीं निकल रहा था इसलिए अभी बहुत दिक्कत हो रही थी। फिलहाल राजा डबरी का उन्नयन कार्य जोरों पर चल रहा है और इस डबरी के पानी को खाली करने के लिए तोड़े गए नहर को भी दोबारा पाट दिया गया है, परंतु देखना होगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो सवाल उठाए थे यह आगे कैसा मोड़ लेता है और क्या इस हरकत के लिए वार्ड पार्षद और नगर पालिका परिषद जामुल को किसी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। ACN न्यूज़ के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।